बहुत क्लियरली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का प्रहार है. इससे पहले के भी हम केसेस देख चुके हैं. यह सिर्फ मतलब कभी गौरी जी के साथ हुआ, उससे पहले कलबुर्गी जी, पानसारी जी, मतलब इतने सारे इंसिडेंट हमारे सामने आ चुके हैं. और इसके अलावा भी कई जो जर्नलिस्ट हैं उन लोगों पर दबाव डाले जाते हैं अलग तरीके के. तो कहीं ना कहीं बहुत साफ तौर पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने की पूरी कोशिश हो रही है. और जिस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं ना, वो इंसान ही नहीं है तो फिर देश कैसे बनेगा? देश कैसे बनता है? देश बॉर्डर से थोड़ी बनता है. कहीं पे आपने बाप वायर लगा रखा है वो देश नहीं होता. देश वहाँ का इंसान होता है, वहाँ के लोग मिलके उस देश को बनाते हैं. और अगर हम इतनी बुरी हालत में हैं तो हमें बहुत पीछे से काम शुरू करना पड़ेगा और लोगों को पहले इंसान बनाना पड़ेगा, फिर हम देखते हैं देश तरक्की कहाँ करता है, क्या करता है. आप अगर किसी की मौत के बाद ऐसी बातें कर सकते हैं तो पता नहीं, मतलब आप इंसान तो नहीं ही हैं, जानवर भी नहीं है. जानवर तो बहुत सेंसिबल होते हैं. आप पता नहीं क्या हैं, शायद किसी अलग ग्रह से आए होंगे या पता नहीं क्या है.